पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया प्रधानमंत्री संग्रहालय म्यूजियम में सहेज कर रखी गई है देश के सभी पूर्व पीएम से जुड़ी यादें। देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में प्रत्येक सरकार का योगदान है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेडी श्रीराम कॉलेज में अंबेडकर पर लेक्चर को लेकर विवाद, बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश का लेक्चर किया रद्द, बीजेपी का आरोप लेफ्ट यूनियन के दबाव में लिया गया फैसला। सूचना मिली कि इस कार्यक्रम को कुछ छात्र संगठनों के विरोधों के बाद कैंसिल किया जा रहा है। चीन में फिर कोरोना ने बढ़ाई मुश्किल, शंघाई में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 95% मरीज बढ़े, कई शहरों में सख्त लॉकडाउन ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। दिल्ली के पास नोएडा में भी कोरोना ने बढ़ाई दहशत, पिछले 24 घंटों में 44 लोगों को कोरोना, जिले में कोरोना के एक्टिव केस 121 तक पहुंचे, पिछले 4 दिनों में अचानक बढ़े मामले। बधाई के ट्वीट के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी, दोनों देशों के बीच शांति की जताई इच्छा। लोगों पर महंगाई की दोहरी मार, सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए इजाफा, जबकि पीएनजी की कीमतें भी 4.25 रुपए बढ़ी। मानीतू और बहन रिद्धिमा के मुताबिक रणबीर आज साथ फेरे लेने के बाद आलिया के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे, शादी से पहले हुई मेहंदी की रस्म में जुटा सितारों का मेला, अमिताभ बच्चन ने भी दी बधाई। युद्ध के 50वें दिन भी यूक्रेन के कई शहरों पर भारी बमबारी, रूस के हमलों से कांपा खार्कीव शहर, धमाके के बाद उठती दिखी आग की लपटें। 50 दिनों से जारी जंग के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को दी धमकी, कहा रूसी इलाकों पर हमले से बाज नहीं आए तो कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर होगा फाइनल अटैक। एक बहुत बुरी खबर ने जेलेंस्की को परेशान कर दिया है। मारियुपोल से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूक्रेन की सेना वहां सरेंडर करने के लिए तैयार है। रूस की मीडिया ने एक नया वीडियो जारी किया।